हाँ जी, स्वागत है जी तुहाडा सारिआं दा साडे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट ते। सो इहदी अपडेट तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हैं। कल पंजाब कैबिनेट की मीटिंग जिहड़ी हुई सी, सो इहदे विच कई अहम फैसले जिहड़े ले गए हैं। सो किहड़े किहड़े मुद्दिआं दे उपर फैसले ले गए हैं कि कुछ कैबिनेट के वल्लों प्रवानगी दित्ती गई है, पूरी विस्तार नाल जानकारी तुहाडे नाल शेयर करांगे। सो डेली इसे तरह अपडेट मिलती रहे, चैनल नूं सबसक्राइब ते बैल आइकॉन आल ते प्रेस जरूर कर लिओ। तो शेयर करते हैं जी पूरी जानकारी। तो पंजाब कैबिनेट ने साल 2023-24 लई पंजाब सरकार की सालाना वित्तीय स्टेटमेंट जिन्हों बजट अनुमान कहिंदे आ विधानसभा के आगामी सैशन दौरान पंजाब विधानसभा विच पेश करन दी मंजूरी जिहड़ी दित्ती है। इस संबंधी फैसला पंजाब सिविल सत्रित एक दे विच मुख्यमंत्री की अगवाई हेठ मंत्रीमंडल की हुई मीटिंग दौरान जिहड़ा लिया गया। संविधान की धारा 202 और 204 की कोलाज एक च शामिल उपबंधा अनुसार पंजाब के राजपाल की सिफारिश तो बाद साल 2023-24 लई पंजाब सरकार की सालाना वित्तीय स्टेटमेंट पंजाब विधानसभा दे विच पेश की जानी जरूरी है, जिसलिए मंत्रीमंडल ने इसनों आगामी विधानसभा सैशन च पेश करन दा फैसला जिहड़ा लिया। इस तों बाद भारतीय संविधान की धारा 203 की उपधारा 3 के उपबंधा अनुसार कैबिनेट ने पंजाब के राजपाल दीआं सिफारशां तों बाद पंजाब सरकार के साल 2022-23 के खर्चे लई ग्रांटां वास्ते अनुपूरक मंगां पंजाब विधानसभा च पेश करन दी मंजूरी है जिहड़ी दे दित्ती है। इस तों इलावा मंत्रीमंडल ने 2015-16 तो साल 2018-19 तक के वधीक खर्चे नियमित करवाने लई विधानसभा दे विच पेश करन दी मंजूरी दे दित्ती है। संविधान की धारा 205 की उपधारा 1B और 2 के अधीन जेकर किसी वित्तीय साल दौरान किसी भी सेवा उत्ते कोई रकम जो उस साल संबंधित सेवा लई निर्धारित ग्रांटा तो वध खर्च की होवे नूं अजिही वाधू रकम नूं विधानसभा दे विच पेश करना होवेगा, तो इस लई उस तरह कार्रवाई की जाए जिवें कि यह किसी ग्रांट लई इक मंग होवे। वाधू ग्रांट की मंग पिछले सालों दौरान दित्ती ग्रांट तो वध कीते खर्चे नूं नियमित करवाउण दे लई पेश की जाती है। सो वाधू ग्रांट की मंग विधानसभा दे सामने पूरे साल के खर्चे का आडिट होने उपरंत अते भारत सरकार के कंट्रोलर अते आडिटर जनरल के अधिकारियों वल्लों नमित्तण लेखियां नूं संकलित करन अते लोक लेखा कमेटी वल्लों विचार उपरंत ही पेश है जिहड़ी की जा सकती है। इस तों इलावा मंत्रीमंडल ने भारत के संविधान की धारा 151 की उपधारा 2 के उपबंधा अनुसार भारत सरकार के कंट्रोलर अते आडिटर जनरल दीआं आडिट रिपोर्टां अते भारत दे लेखा निरीक्षक अते महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट नूं राजपाल की सिफारिश उपरंत पंजाब विधानसभा के आगामी इजलास च सदन दे विच पेश करन दी मंजूरी दित्ती है। इन्हां रिपोर्टां च पंजाब दे विच महात्मा गांधी राष्ट्रीय पेंडू रुजगार गरंटी स्कीम दे लागूकरण उत्ते कारगुजारी लेखा परीक्षा साल 2023 दी रिपोर्ट नूं एक भारत दे लेखा निरीक्षक अते महालेखा परीक्षक दे राज दे वित्तीय लेखां उत्ते परीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च 2022 नूं समाप्त होए साल लई भारत के लेखा निरीक्षक अते महालेखा परीक्षक पालन लेखा परीख्या अते रिपोर्ट 31 मार्च 2021 नूं समाप्त होए साल लई अते साल 2021-22 दे वित्तीय लेखे अते नवीनतम लेखे इहदे विच जिहड़े शामिल कीते गए ने। इस तों इलावा मंत्रीमंडल ने उद्योग विभाग की साल 2020-21 की सालाना प्रशासकीय रिपोर्ट है जिहड़ी इस नूं भी प्रवानगी जिहड़ी दे दित्ती गई है। सो ये सारे फैसले जिहड़े इस पंजाब कैबिनेट मीटिंग दे विच ले गए हैं। सो बाकी अगे जो भी अपडेट्स आउणगीआं समें सिर जानकारी तुहाडे नाल शेयर करदे रहांगे। चैनल नाल जुड़े रहो। धन्यवाद जी।